फ्री फायर में कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका स्किल कम करने के बावजूद भी सबसे खतरनाक काम करता है, तो एक ओरियन है। मैं इसके खिलाफ जितनी बार भी खेला हूँ मुझे बहुत परेशानी हुई है, और इसलिए आज की वीडियो में तुम सभी लोगों को ओरियन के साथ कुछ ऐसे स्किल कॉम्बिनेशन बना के दिखाने वाला हूँ जिससे अगर तुम सभी लोग यूज करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा गेम प्ले एक लेवल अप हो जाएगा। एक चीज का ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो CS रैंक खेलते हैं, और CS रैंक में कॉम्बिनेशन एकदम ओपी वाला काम करने वाली है, लेकिन अगर तुम सभी लोग BR रैंक में से यूज करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और ये बात मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ग्रैंड मास्टर CS रैंक में जा चुका हूं, और अभी जो मेरा स्कोर है तुम लोग देख ही सकते हो। स्कोर दिखाने के पीछे का एक रीजन और था कि मैंने ये सब कुछ विदाउट टॉपअप किया, और जो नेक्स्ट डे जो न्यू सीजन आने वाला BR रैंक में उसमें भी गाइज मैं विदाउट टॉपअप ग्रैंड मास्टर जाना चाहता हूं। और अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि मैं क्यों नो टॉपअप कर रहा हूं, और क्यों पिछले 3 सालों से आज तक भी मैंने टॉपअप अपनी आईडी में नहीं किया है, और मैं नो टॉपअप क्यों सपोर्ट करता हूं मैं कल की वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में पहला स्किल कॉम्बिनेशन मैं तुम सभी लोगों को दिखाने जा रहा हूं। स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 1, सबसे पहले गाइस देखो ओरियन के साथ मेग्यूल की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, और अगर उसमें लूना लग जाए और प्लस ओथो लग जाए तो एक नंबर का कॉम्बिनेशन होने वाला, और ये जो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन वाला CS रैंक में मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं। खाओ मां कसम। क्यों यूज करते हैं ये क्लिप में तुम सभी लोग को पता चल जाएगा। जैसा कि तुम देख सकते हो कि यहां पे एक एनिमी है, इसको मैं मारने लगता हूं तो लूना के यूज की वजह से बहुत ज्यादा रेट ऑफ फायर हो जाता है, इसका 15% तक बढ़ जाता है, और इसके बाद तो तुम्हें फायदा मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज गाइस देखो, हरा हरा आ गया यहां पे लूना के ऊपर, इसका मतलब 15% जो रेट ऑफ फायर है ना वो भागने में कन्वर्ट हो गया, और 15% माइनस हो गया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वापस से रेड हो जाता है, जिसकी वजह से कि गाइस समझ रहे हो ना, तुम फायदा और ले सकते हो। हालांकि देखो मैं यहाँ पे मर जाता हूँ, अगर इसको मैं नॉक कर देता तो उसको 1v1 में मार देता, लेकिन ओरियन ने काफी हेल्प की यहाँ पे मेरे टीममेट को जिताने में, और टीममेट बाकी जिता देंगे। एक और क्लिप अगर तुम सभी लोग यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुमको डेफिनेटली पता चल जाएगा ओथो का भी कमाल। देखो दो एनिमी सामने से आ रहे हैं, और जैसे ही मैं आगे जाऊंगा यहाँ पे मारने के लिए थोड़ा कवर में जाएगी, लेकिन मैं जैसे इसको नॉक करूंगा सामने वाला भी गाइस देखो आ गया उसके ऊपर, एक तरीके से स्लो हो गई वो, और उसके बाद मैंने उसको भी मार दिया। भागने का ट्राई कर रही थी लेकिन मैंने मार दिया, एक तो मोको भी आ जाता है ऊपर से स्लो भी हो जाती है, उसकी जो भागने की एबिलिटी होती है 5 सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं, ठीक है। ओथो का ही यूज है, ऊपर से लूना की वजह से तुम क्या ही रेट ऑफ फायर के साथ मारते हो। ध्यान रहे एक किल करने के बाद देखो ग्रीन वाला आ जाता है साइन, तो उससे बच गए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुक जाओ उसके बाद मारो, कभी कभार आता भी कभी कभार नहीं भी आता है, लेकिन रेट ऑफ फायर मैक्सिमम तुमको मिलता रहेगा। और लास्ट वाले बंदे को गाइस ओरियन से गाइस जाके रस करके मार दो, इजीली बात यही रहेगी, कोई तुमको मारेगा नहीं वहां पे, और वो नीचे कूद जाएगा जो कि ये रहेगा, और आराम से तुम रस करके किसी को भी मार सकते हो। डेफिनेटली ये स्किल कॉम्बिनेशन तुमको ट्राई करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट है। वैसे दोस्तों अगर आप सभी लोग चैनल पे न्यू हो तो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब और लाइक करने की जरूरत नहीं है, पूरा टाइम है, आराम से कभी भी जब भी टाइम मिले कर देना, अभी तुम सभी लोग सीख लो ताकि तुम प्रो बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ, और विदाउट गन स्किन खेलो, क्योंकि गाइस देखो अब कल की वीडियो में तो पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, तो कल ही देख लेना। अभी हम बात करते हैं स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2 की। स्किल कॉम्बिनेशन नंबर 2, इसमें मैंने कुछ ज्यादा चेंज नहीं किया, सिंपल सी बात है, ओरियन है, मिग्योल है, शानी है, पर एंटोनियो है, दो चीजें मैंने चेंज कर दी, एंटोनियो और शानी लगा दी, जिससे कि तुम्हें 90 HP एक्स्ट्रा मिल जाए, प्लस ओरियन जैसी बनोगे गाइस तुमको पता है कि कैसे भी कोई भी एक्टिव स्किल यूज करोगे शानी वर्क करने लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको मारा और एकदम मेरे क्लोज में आ गया था, हालांकि मेरे पास अभी यहाँ पे नहीं है ओरियन, लेकिन मैं जैसे इसको नॉक करता हूँ मेरा ओरियन आ जाता है, अब मैं जल्दी से मेडिकेट मारने लगता हूँ, और उसके बाद गाइस बाकी के 3 बंदे उनको भी मारने के लिए मैं निकल जाता हूँ। तो पहला एनिमी मारता हूँ और यहाँ देखो जैसे नॉक होता है मेरा जो है ना आ जाता है, लेकिन गाइस ये देखो एंटोनियो का मेरा 40 HP ले जाती है, लेकिन वैसे मैं ओरियन बन जाता हूं, मेरे को 50 शानी की HP मिल जाती है। मैं एक बार फिर से स्लो मोशन में तुमको दिखाता हूं, तो मेरी जो यहां 40 की एंटोनियो की HP थी ना उसने मार के खत्म कर दी, वैसे ही मैंने एक्टिव स्किल यूज किया ओरियन बना और मेरी 50 की HP आ गई। इसी वजह से गाइस देखो इसको मैं मारने जाता हूं, लेकिन अभी यहां पे ट्विस्ट बाकी है, मेरी HP इतनी बाकी थी तभी मैं बचा, अगर मैं वहां शानी नहीं बनता देखो यहां पे कितनी कम HP का बचा। हालांकि मैंने वापस मार के अपनी 50 HP वापस ले ली यहां पे देख सकते हो, लेकिन सोचो अगर मेरे को वहां पे शानी का नहीं मिलता अभी मैं नॉक हो जाता, हालांकि गेम हम जीत गए थे, लेकिन ये क्वाड्रा नहीं होता। तो ये सारी चीजें गेम में फर्क डालते हैं, छोटी छोटी चीजें, अगर मैं वहां पे नहीं बना होता, एक्टिव स्किल यूज किया होता, 50 नहीं मिला होता मेरे को शील्ड पॉइंट, डेफिनेटली मैं यहां पे मर जाता क्योंकि मेरी बहुत कम की HP बाकी थी। हर एक स्किल कॉम्बिनेशन का एक अपना अलग फायदा है, और उसी का मैं एक फायदा तुमको मैंने दिखाया किस हिसाब से यहां पे मेरे को प्रॉफिट मिला, इसका नहीं बेनिफिट मिला, प्रॉफिट क्या बोल रहा हूं मैं। और यहां पे भी देख सकते हो कि जो दूसरी चीज थी ना जो मैंने दूसरा क्लच किया यहां पे, तो खैर लॉन्ग लॉन्ग में मैंने खेला, लेकिन मुझे बहुत फायदा मिलता है एंटोनियो का और शानी का, जिसकी वजह से मेरे 40 HP की वजह से मेडिकेट नहीं मारना पड़ता, 50 HP की वजह से मेडिकेट नहीं मारना पड़ता, और इसके मैं बहुत बेनिफिट उठा के क्लचेस करता हूं। जैसे कि मैंने यहां पे करने की ट्राई की, मैंने वॉल लगाया, इसको नॉक किया, अभी सिर्फ 2 ही बंदे बाकी थे, एक को तो मैं वहां मार चुका था, मेरे टीममेट्स नॉक होते रहते लेकिन मैं खेलता रहता हूं यहां पे, और वो नीचे कूद रहे होते, और यहां पे देखो ये ऐसे ही करता, ये देखो मेरे को 50 HP एक्स्ट्रा मिल गई, और अब मैं इजीली मारता हूं यहां पे, ये देखो वो मेरे को मारती, लेकिन देखो मेरी फुल HP है, शानी और 90 HP मिलते ना शानी एंटोनियो को मिला के, फिर मैंने इसको भी मार दिया, अब लास्ट वाला पता नहीं कैसे मार दिया।
अभी है लास्ट स्किल कॉम्बिनेशन, तो इसमें मैंने कुछ ज़्यादा यूज नहीं किया। एंटोनियो है प्लस जस्टिन बीबर का ईपी है। देखो अगर टीम में तुम्हारा कोई जस्टिन बीबर वाला है तो तुम्हारा 12% डैमेज कम हो जाएगा, और इनफैक्ट तुम्हारे सारे 12 मीटर के अंदर जितने भी टीममेट्स होंगे उनको भी कम डैमेज पड़ेगा, तो पूरी टीम के लिए। यहाँ पे मैंने एक को नॉक किया। यहाँ पे सिंपल सी बात ये थी, देखो मैं अभी आगे दिखाने वाला हूँ, जब मैं ज़्यादा क्लच करता हूँ, जब मैं एनिमी से लड़ता हूँ, तो देखो जैसे इसको मैं मार रहा हूँ, और अगर मैं इसके साथ खेलता हूँ कि चल भाई तू भी थोड़ा सा मेरे को मार ले, हेडशॉट मत मार, बॉडी मार, बॉडी पे बहुत कम जाता है गाइस, बहुत कम, 12% कम हो जाता है। मतलब समझ रहे हो कि मतलब 100 का डैमेज होगा ना, तो उसमें 12 कम डैमेज लगेगा, तो एक गोली कम लगेगी तो एक गोली तुम मार के मार दो। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे को कितना ज़्यादा गोलियाँ मारी के, लेकिन मैंने इसको हेडशॉट मार के नॉक कर दिया। मेन बात है हेडशॉट मारने का टाइम मिले, ताकि हम आसानी से किसी को भी मार दें, ठीक है। थोड़ा सा एचपी रहती है तो एक हेडशॉट इनफ रहता है और तुम गेम जीत जाते हो। मूवमेंट का ही तो गेम है पूरा। जैसे कि यहाँ पे देखो मेरे को कम थोड़ा टाइम मिला, मैंने मार दिया। दोबारा से इसको देखो, अभी हम दोनों एक साथ ना पाने वाले, ये मेरे को मारने वाला है। अभी देखो मेरे को बस थोड़ा सा सेकंड चाहिए हेडशॉट मारने के लिए, इसने स्टार्ट किया, मैं जानबूझ के मार खा रहा हूँ इससे जानबूझ के, और इसने मेरे को जैसे मारा, अब मैं मारूंगा और मैं इसको मारूंगा दो हेडशॉट। यहाँ पे जैसे कि तुम देख सकते हो दो हेडशॉट मारे यहाँ पे, और ये भी नॉक, मैं भी। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, बहुत लोग नहीं समझ पाते इन सब चीज़ों की, उन्हें लगता है कि भाई जल्दी जल्दी सब कुछ कर ले, जल्दी जल्दी से नहीं, छोटे छोटे मूवमेंट से होता है। अब सिर्फ हो जाता है यहाँ पे 2v3, मैं जल्दी से उठ जाता हूँ, मेरे को डिमित्री से उठा दिया जाता है, इसको हेडशॉट मारता और फिर इसको हेडशॉट मारता और गेम खत्म। तो गाइज आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर तुम सभी लोग के इसके अलावा तत्सुया का भी कॉम्बिनेशन देखना है तो मैंने उसकी वीडियो बना दी है, साथ में सीएस रैंक में कैसे ग्रैंड मास्टर जाए उसकी वीडियो बना दिए, दोनों तुम्हारे लेफ्ट राइट में आ गई होगी। तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारा ये वीडियो इंतजार के लिए, जाके देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो और बहुत प्रो बन सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खुश रहो भाई।